साहब, ये जो बड़े जोर से जय भीम बोल रहे हैं आपके साथ, ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी है। अब वो बेचारे झेप गए कि भाई हम तो जय भीम बोल रहे हैं और ये तो हमारा पोल खोल दिए कि हनुमान जी को मानते हैं। अब वो सोचे कि क्या जवाब देंगे, तो मैंने कहा कि देखो एक बात सुनो, हनुमान जी के भक्त भी जब हम लोगों की बात सुनने आ जाए तो इतना समझ लेना कि दूध में मट्ठा पड़ गया है और फटना तय है। उस विरासत का जो नाम हम ले रहे हैं, उस विरासत में हमारी सबसे पहली मशाल तथागत बुद्ध की है, जिन्होंने दुनिया को जुल्म और ज्यादति, नफरत और हिंसा के सामने खड़े होकर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इंसान नहीं पशुओं तक से दया करने का पाठ पढ़ाया। हमारी विचारधारा तो वो है, हमारी पूरी विचारधारा की किसी भी नायक नायिका को आप पढ़ें, आप कहीं ये नहीं पाएंगे कि किसी के खिलाफ हिंसा करनी, नफरत करनी, हत्या की बात करनी है, कहीं नहीं है। अरे इस पूरे विचार को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये तो मानववाद का विचार है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम पड़े उसका विचार। लेकिन एक दिन कानपुर देहात का ये पूरा मोहल्ला अगर किसी से जाना जाएगा तो ललित सिंह के नाम से जाना जाएगा। आज वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो दो काम कर रहे हैं, एक तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा रोजगार न मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख करके अपना मुकद्दर न लिखे, आपके पीढ़ियों में कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील आईएएस पीसीएस न बने, इसके लिए वो पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। आजकल बोल दो तो जेल वेल भेज रहे हैं, लेकिन भाई जब बात आप ललित सिंह जी की कहेंगे तो वो चेहरा देख करके नहीं होगी, डर के नहीं होगी, आंख में आंख डाल करके सर बोल करके होगी। तो आज से 30 साल 50 साल पहले जब वो इतना तेवर रखते थे तो आज तो उनके इतने वारिस हैं, आज तो और दूर तेवर में कहना होगा कि कर्म कांड पाखंड आडंबर और इन सारी चीजों का हम विरोध करते हैं और मानववाद का झंडा बुलंद करेंगे, इसलिए हम ललित सिंह को याद करें। और जितने भी नायक हुए, डॉक्टर अंबेडकर से लेके महात्मा फूले, शाहू जी से लेकर के बीपी मंडल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सबने बिना नारी मुक्ति के किसी भी मुक्ति को अधूरा बताया। सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय भी शामिल है, और मैं तारीफ करता हूँ, मैं सलूट करूंगा उन अपनी माताओं और बहनों का जो अगर इस कार्यक्रम में ना आती, ये कार्यक्रम फेल मुझे कबीर याद आ रहे हैं, कबीर गली को याद करते हुए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर जाओ अपना चलो हमारे साथ, वो घर खूब तमाशा देखने वाली बात अगर न होती तो आज उन्होंने याद नहीं कर रहे। जो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी, हमारी आंखों के सामने उसे तबाह किया जा रहा। जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या आपको उतना हक आपको मिला? क्या 100 में 60 मिला? क्या आज 100 में 60 डॉक्टर आपके हैं? क्या 100 में 60 डॉक्टर इंजीनियर आपके हैं? अरे जोर से बोलिए। ओबीसी समाज के लोगों, क्या 100 में 60 जज आपके हैं? क्या 100 में 60% जमीन आपके पास है? क्या 100 में 60% पैसा इस देश का आपके पास है? तो उस प्रधानमंत्री को जब चुनाव लड़ना होता है तभी उसको जाति याद आती है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। और मैं दावे से सवाल पूछता हूँ कि ओबीसी को जो हक मिला जिन नायकों से, एक बार जाके पूछिए, इंटरव्यू तो वो देता नहीं, इतना डरता है, 56 इंच की छाती, इंटरव्यू देता नहीं। एक बार कहीं मौका मिले तो पूछिएगा, अरे अगर असली ओबीसी हो तो सच सच बताओ, पेरिया ललित सिंह के बारे में जानते हो क्या? सवाल और अगर तुम ललित को नहीं जानते तो किस बात के ओबीसी हो? मंडल को जानते हो क्या? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? और अगर तुम ओबीसी होते तो 8 साल तुम प्रधानमंत्री रहे, तुमने एक बार भी कहीं मंडल को याद किया हो तो मुझे बता दो। इसका मतलब ये लोग जो बैठे हैं, जो आपको आपकी जात बिरादरी बताएंगे, वो आपको धोखा देने के लिए अपनी जात बिरादरी बताएंगे। भाई भाई का खून चढ़ा सकता है क्या? जब भाई भाई का खून नहीं चढ़ सकता तो एक बच्चे की गर्दन कट जाए तो उस पर हाथी की गर्दन।
कैसे फिट हो जाएगी रे भाई? मानपुर के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, एक बार जागने का वक्त है। उनसे कहने कि कदम झुकाओ, चलो अब गुनाहों को अपने कबूलो, चलो दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो जिसके खातिर लड़ाई है छड़ी गई और चली जाएगी अंत से अंत तक हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से आदरणीय लक्ष्मण यादव जी को सुना, हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है। लक्ष्मण यादव जी अपने विचार रखे। लक्ष्मण भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भी, जय मंगल, इंतलाब जिंदाबाद। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं अपने वैचारिक पुरखे के जन्मस्थली पर उनकी जयंती मनाने के लिए आ सका हूं। इसके लिए सभी आयोजकों का और आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उससे बड़ी बात यह कि अभी जब हम आ रहे थे डॉक्टर विनोद जी के साथ में, तो यही बात हो रही थी कि इस इलाके में अभी हफ्ते 10 दिन से बारिश नहीं हो रही थी और आज जो है इतनी बारिश होने लगी। लेकिन आप सभी के जज्बे को सलाम करता हूं कि बारिश के बाद भी आप लोग यहां पर बैठे हुए। ऐसे इम्तिहान तो हमारे पुरखे जाने कितना दिए होंगे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानित भक्ति लोग बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा अभिवादन। और मुझे पता ये चला है कि इस कार्यक्रम में हिरियामणि सिंह यादव के गांव और जिले के साथ साथ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। उन सभी लोगों को इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने फिर से एक विरासत जोड़ने का काम किया। पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग, आप सब जानते होंगे बरगद के पेड़ को बड़ा महत्व दिया जाता है। बरगद के पेड़ की अहमियत समझते हैं? वो बाहर से जितना बड़ा दिखता है, माना जाता है कि उसकी जड़ें उससे और गहरी होती है और जितनी शाखाएं होती हैं वो शाखाएं वृक्ष का काम करने लगती हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बरगद का, और उसमें लैटिन भाषा में लिखा हुआ है क्वाड रामिपट अर्बोरस, मतलब जितने शाखाएं उतने वृक्ष। और उस विश्वविद्यालय के बनाने वाले लोगों ने खाब देखा होगा कि इस विश्वविद्यालय से जो पढ़कर बाहर निकलेगा तो ये एक विश्वविद्यालय एक ऐसा बरगद है जिसकी न जाने कितनी शाखाएं होंगी, और उन शाखाओं को हम इतना ताकतवर बनाएंगे कि वो जहां जाएंगी एक मजबूत बरगद बनाएंगे। मैं पेरियार अलई सिंह यादव के गांव में उन्हें याद करते हुए महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने जो एक बीज रोपा था, एक पेड़ पौधा लगाया होगा, आज जाने कितने बरगद उससे तैयार हुए और दूर दूर से लोग उनको याद करने के लिए आ रहे। इस मिट्टी में वो ताकत है
कि इस मिट्टी से निकले हुए लोग अपने विचारों, अपने दर्शन से, अपने संघर्षों से इतना बड़ा मुकाम बना लेते हैं कि वो किसी एक गांव या एक जिले के रही नहीं जाते, वो तो समग्र मनुष्यता के, मानवता के हो जाते हैं। आप नहीं कह सकते कि डॉक्टर अंबेडकर या ज्योतिबा फूले, इनका कोई गांव कोई मोहल्ला थोड़ी है। जहां भी मनुष्य मनुष्य की बात होगी, उनके हक कार की बात होगी, वो सबको लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे हैं, ज्योतिबा फूले हमारे हैं। वैसे ही पेरियार नरेश सिंह यादव ने जो एक संघर्ष शुरू किया, उसने इतना बड़ा मुकाम बनाया कि जो भी अपनी तनी हुई मुट्ठियों से अन्याय के खिलाफ लड़ता है, सागर पाखंड और कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भीतर महसूस होता होगा कि थोड़ी हिम्मत उनको ललित जी से भी मिल रही है। ये उनकी ताकत है कि उन्होंने गांव और जिले की सीमा के बाहर तक अपनी पहचान बनाई। भैया उधर जाकर खड़े यू वाले, उधर उन्हीं से हम लगा यू वाला ऐसे ले उनके गांव में याद करना, ये बड़ी बात है। और आप सबके सामने आज मुझे भी ये मौका मिला, मैं पहली बार उनके गांव आया हूं और ऐसा लग रहा है कि उनसे एक अलग किस्म की हिम्मत मिल रही है, ये ताकत मिल रही है। हमारे देखिए इनका नाम लेने वाला का ही है, धर्मवीर जी है, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए। और धर्मवीर पेरियार नरेश सिंह यादव के पूरे रचना पर, उनके जीवनी पर उन्होंने काम किया है और बहुत मेहनत से बहुत संघर्ष किया। एक मिनट खड़ा देने से और जिस इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा काम, जो जो पुस्तक इन्होंने समग्र संकलन किया है, मैं चाहता हूं कि उसका अभी सबके साथ एक विमोचन हो जाए, तो अब अपनी बात करूंगा। एक बहुत बड़ा काम है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। विक्रम सर, विक्रम सर आइए, बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख रहे होंगे, ये उस ग्रंथावली का मुख्य पृष्ठ है। पेरियार नरेश सिंह ग्रंथावली संकलन धर्मवीर रत्न गगन, 5 खंड और 2000 पन्ने हैं। इस ग्रंथावली को लिखने में इन्होंने इतनी मेहनत की है और सच बात यह है कि अभी तक बहुत टुकड़े में ही उनके काम, उनके जीवन के परिचय या उनकी रचनाओं के बारे में अब तक लिखा गया। तो ये वो पहला काम है जो समग्र रूप से पहली बार किसी ने संकलित किया है। अब ये सबके सामने आएगी और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने नौजवान हैं, खासकर नौजवानों को कि आप सभी पेरियार नरेश सिंह यादव की ग्रंथावली जरूर खरीदें। और यहां जो लोग जागरूक लोग आए हुए हैं, जागरूक लोगों के घरों में ऐसा होता नहीं, लेकिन जिनके जिनके घरों में गीता हो, रामचरितमानस हो या और कोई धार्मिक पुस्तक हो, सबसे पहला काम यह करें कि ललित सिंह की ग्रंथावली ले जाकर उसके ऊपर रख दें, वहीं से काम शुरू हो। अभी इतना जल्दी उसको बाहर मत भेजिएगा, जो घर आएगा मिल लगेगी उसको अपने आप ऊपर रख लीजिए। अभी पिछले दिन मैं अयोध्या गया था तो वहां हमारे एक मित्र थे, कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा, सब बातचीत हो रही, उसी में किसी ने बोला कि अरे साहब ये जो बड़े जोर से जय भीम बोल रहे हैं आपके साथ, ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। अब वो बेचारे झेप गए कि भाई हम तो जय भीम बोल रहे हैं और ये तो हमारा पोल खोल दिए कि हनुमान जी को भी मानते हैं।
अब वो सोचे कि क्या जवाब देंगे, तो मैंने कहा कि देखो एक बात सुनो, हनुमान जी के भक्त भी जब हम लोगों की बात सुनने आ जाए तो इतना समझ लेना कि दूध में मट्ठा पड़ गया है और फटना तय है। तो अभी जबरदस्ती हनुमान को उनके जबरदस्ती निकालो मत, छीनो मत उनसे, उनका देवी देवता आने का छीन लेंगे तो भक्त बिना देवी देवता की करेगा क्या। इसलिए धीरे धीरे समझाना है प्रेम से, और अपने आप जब इस तरह की किताबें आपके घरों में जाएंगी, ललित सिंह जैसे लोगों की जीवनी आपके घर में जाएगी, उनके विचार आपके लोग पढ़ेंगे, तो अपने आप अखंड और कर्मकांड दूर होगा। ललित सिंह जी ने जीवन भर कोई कैंची लेकर सबका जनेऊ थोड़े काटते थे। आजकल हम लोग तराजू लेते होते हैं कि जय भीम वाला है ये तो संग में जा रहा है, जा रहा है क्या करोगे, उधर पैसा मिल रहा है, पावर है, अपने लोग तो एकजुट ही नहीं है। ललित सिंह जी, अभी तो मैं जितना जीवनी पढ़ा हूं धर्मवीर भाई, आपकी पुस्तक जब पढ़ लूंगा, उस जीवनी को जब पूरा पढ़ लूंगा तब और बातें करूंगा। अभी तो मैंने बहुत खोजा, मेहनत की, कुछ लेख हैं, कुछ किताबें हैं, उनसे एक किस्सा मिलता है, पता नहीं अब उसको प्रमाणित आप करिएगा, जनेऊ वाला भी। और जनेऊ पहन लिया तो उसको बड़ा लोगों ने मारा पीटा, पिताजी का मामला था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जनेऊ के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा जो मनुष्य मनुष्य को बांटता है। और जिसके नाम पर इनको पेरियार नाम मिला वो दक्षिण भारत के विराट मानवता के पैरोकार, सामाजिक न्याय के बुलंद आवाज ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, वो तो जनेऊ किसको पहनाए थे एक बार आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। देवी देवताओं की तस्वीर तो चौराहे पे जलाते थे, और आप सब जानते हो हजारों लोग यहां बैठे हुए हैं। आजकल भारत में ऐसे लोगों का विराज है जो अपने नाम के आगे अंग्रेजों से तो माफी मांगते रहे कि हुजूर काला पानी में बड़ा दुख हो रहा है, हमको बाहर निकाल दीजिए, हम आपकी पेंशन लेंगे और आपके हित में काम करेंगे। और जब ऐसे लोगों ने अपना नाम रखा तो अपने से अपना नाम ले लिया वीर। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। आजकल जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े बन गए हैं, वो सब सिलेबस में पढ़ा रहे हैं कि बहुत बड़े वीर थे, यानी अपने से ही कोई व्यक्ति कहे कि हे लोगन हमके महान कहा हो। पेरियार ललित सिंह जब दक्षिण भारत में पेरियार के महापरिनिर्वाण के बाद जब जनसभा हुई और वहां पर जनता ने कहा कि हमें उत्तर भारत का एक पेरियार मिल गया है, इसलिए उनको उत्तर भारत का पेरियार कहा गया। इन्होंने अपने से अपना नाम नहीं रखा, इनको जनता ने नाम दिया। जैसे 1988 का वक्त था, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सभा हुई, उस सभा में लाखों लोग आए हुए थे, और सत्य शोधक समाज के जरिए गुलामगिरी से मुक्ति की बात करने वाले महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जब उस सभा में पहुंचे तो सभा के लोगों ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे महात्मा हैं। तो जनता ने, लाखों लाख लोगों ने ज्योतिबा फूले को अपना महात्मा माना। और एक दूसरे महात्मा थे भारत में जिनको एक व्यक्ति ने कहा कि यह महात्मा है, पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, डॉक्टर अंबेडकर 1932 में जब जाने लगे गोलमेज सम्मेलन, उस समय की बात है, गांधी से पहली मुलाकात हुई। देखिए जब गांधी का जिक्र कर रहा हूं तो बिल्कुल साफ समझिए, आज उन लोगों की सरकार है जो गांधी की हत्या किए हुए हैं और हत्यारे को पूछने की बात कर रहे हैं। हम लोग कभी हत्या और हत्यारे के पूजने वाले हो ही नहीं सकते। इस मंच पर धनते लोग बैठे हुए हैं, इस मंच की गरिमा समझिए। और जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं ललित सिंह को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ
1956 में ही हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, और रामलीला मैदान में उन्हीं भंते साहब से उन्होंने दीक्षा ली, बौद्ध धर्म स्वीकार किया जिनसे डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। उस विरासत का जो नाम हम ले रहे हैं, उस विरासत में हमारी सबसे पहली मशाल तथागत बुद्ध की है, जिन्होंने दुनिया को जुल्म और ज्यादती, नफरत और हिंसा के सामने खड़े होकर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इंसान नहीं पशुओं तक से दया करने का पाठ पढ़ाया। हमारी विचारधारा तो वो है। तो ये नफरत के माहौल में, इस जुल्म और ज्यादती के माहौल में हम जब तथागत बुद्ध को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं, जिनसे हम बने हैं। हमारी पूरी विचारधारा के किसी भी नायक नायिका को आप पढ़ें, आप कहीं ये नहीं पाएंगे कि किसी के खिलाफ हिंसा करनी है, नफरत करनी है, हत्या की बात करनी है, कहीं नहीं है। अरे इस पूरे विचार को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये तो मानववाद का विचार है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम बढ़े उसका विचार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हत्यारों के साथ तो हम कभी नहीं खड़े हो सकते। इसलिए जिन्होंने गांधी की हत्या की वो गोडसे की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम विचारधारा के लोग हम कहेंगे कि हत्या नहीं करो, गांधी को भी जिंदा रहने का उतना हक है, गांधी ने भी बड़ा काम किया। लेकिन जब सामने खड़े होंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी, तो हम कहेंगे कि उसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर का पक्ष गांधी से ज्यादा तार्किक था और ज्यादा भारत के पक्ष में। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे भगत सिंह और गांधी में भगत सिंह का पक्ष हमें ज्यादा अपना लगता है, पेरियार और गांधी में पेरियार का पक्ष हमें अपना लगता है, लेकिन हम हिंसा करने वाले लोग नहीं। इसलिए मैं उस दक्षिण भारत की विरासत को याद करते हुए उस घटना का जिक्र कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर गांधी से मिले और मिलकर जब चलने लगे तो खड़े होकर बोले कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, इस मुल्क के वंचितों शोषितों का जीवन नहीं बदला। अगर इस मुल्क में कोई महात्मा था तो वो ज्योतिबा फूले थे और कोई नहीं। और यह बात गांधी ने खुद उसके बाद नवजीवन पत्र में लिखा, लोग मुझे महात्मा कहते हैं लेकिन असली महात्मा तो ज्योतिबा फूले। यानी एक वैसी विरासत जिससे ललित सिंह जी जुड़े थे, वो विरासत विचारों की विरासत थी, वो विरासत मनुष्यता की विरासत थी। और ललित किसी कानपुर देहात के गांव से निकलकर मैं सोच रहा हूं, नौकरी मिली उनको, सिपाही की नौकरी मध्य प्रदेश में मिले, और जब वहां नौकरी करने गए, देखिए एक बात सही है, इसी गांव में जाने कितने लोग प्रधान बने होंगे, जाने कितने लोग नेता बने होंगे, जाने कितने लोग पैदा हो चले गए। रोशन लाल एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने लिखा कि जिंदगी जिंदा देने को जान है रोशन, वगर ना कितने मरते और पैदा होते जाते हैं। तो जाने कितने लोग आए और चले गए, लेकिन आज अभी तो शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम के जरिए कि अभी तमाम मानववादी विचार के वंचित शोषित लोग जब अपनी जड़ों को पहचानना शुरू किए हैं तो ललित सिंह को पढ़ना शुरू किए हैं। ये ग्रंथावली जिस दिन घर घर जाएगी, ललित सिंह का नाम जिस दिन घर घर जाएगा, हो सकता है दो चार पांच साल और लगे, 10 साल लग जाए, लेकिन एक दिन कानपुर देहात का ये पूरा मोहल्ला अगर किसी से जाना जाएगा तो ललित सिंह के नाम से जाना जाएगा। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। तो ये काम केवल व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम विचारधारा से जुड़ने के बाद कोई कर सकता। इसलिए साथियों, आप सभी वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं आपसे केवल एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं। माहौल बहुत खराब है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो दो काम कर रहे हैं, एक तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा रोजगार न मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख करके अपना मुकद्दर न लिखे, आपके पीढ़ियों में कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील आईएएस पीसीएस न बने,
इसके लिए वो पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने क्या नारा लगाया था, जाति कहते हैं कि ये जो दलित पिछड़े हैं ये लोग जातिवाद कर रहे हैं क्योंकि जाति बातें। अरे भाई एक बात बताओ, जब तक तुम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तुमने कभी क्यों नहीं बताया कि तुम ओबीसी मां के बेटे हो? जब तुम्हें प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो प्रचार में घूम घूम कहते रहे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। अरे वो फेक ओबीसी है, क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री था तो अपने से अपना नाम, अपनी जात का नाम ओबीसी में लिखवा दिया। जैसे आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा फेक व्यक्ति है कि पहले उसके ऊपर जितना मुकदमा था जब मुख्यमंत्री बना तो अपना मुकदमा सारा हटवा लिया। ये कैसा राज है भाई? आजकल बोल दो तो जेल वेल भेज रहे हैं, लेकिन भाई जब बात आप ललई सिंह जी की कहेंगे तो वो चेहरा देख करके नहीं होगी, डर के नहीं होगी, आंख में आंख डाल करके सच बोल करके होगी। ललई सिंह जी को याद करना केवल औपचारिकता नहीं याद करना है कि गणेश चतुर्थी हो रही है पूजा करो झूम झूम कर, नहीं भाई, हम लोग अपनी वैचारिक जड़ों को याद करते हैं। तो आज से 30 साल 50 साल पहले जब वो इतना तेवर रखते थे तो आज तो उनके इतने वारिस हैं, आज तो और पूर्ण तेवर में कहना होगा कि कर्म कांड पाखंड आडंबर और इन सारी चीजों का हम विरोध करते हैं और मानववाद का झंडा बुलंद करेंगे। इसलिए हम ललई सिंह को याद कर रहे हैं। ललई सिंह को याद करना उनकी तस्वीर पर माला पहनाना नहीं है, हमें देवता ही उन्हें बनाना है। जो सपना देखा था ललई सिंह और तमाम लोगों ने, उस सपने को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी है, तब जाकर यह आयोजन सफल होगा। और इसलिए मैं केवल एक अपील करने आया हूं, गांव के लोगों, बेहद प्यारे और मासूम लोगों, आप सब बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। हम जानते हैं कि इस मुल्क के 90% लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा लोग, इस मुल्क की आधी महिलाएं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे महिलाओं को, जब वो शूद्र की परिभाषा बनाते हैं तो उसमें महिलाओं को भी शामिल करते हैं। और जितने भी नायक हुए, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर महात्मा फूले, शाहू जी से लेकर के बीपी मंडल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सबने बिना नारी मुक्ति के किसी भी मुक्ति को अधूरा बताया। सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय भी शामिल है। और मैं तारीफ करता हूं, मैं सलूट करूंगा उन अपनी माताओं और बहनों का जो अगर इस कार्यक्रम में ना आती तो यह कार्यक्रम को मैं फेल साबित करता, भले ही लाखों की भीड़ में होगा। केवल पुरुषों के देश में कोई क्रांति देखो होने वाली नहीं है, पुरुषों से अगर क्रांति होती तो हो चुकी होती। आप जानते हैं जिस दिन आप अपनी महिलाओं को सजग कर देंगे, जागरूक कर देंगे, पुरुष अगर किसी दूसरे के घर जाए समझाने तो द्वारे पर बैठ कर चाय पानी पीकर वापस लौट आएगा, घर की चार दीवारी के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक महिला जागरूक हो जाए तो वो दूसरे महिला के चूल्हे पर बैठकर उसको समझा सकती है कि अरे बहन तुम तो चूक गई, 1 सितंबर को बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था ललई सिंह पर, अगला कार्यक्रम जब हो तो तुम भी चलना, और ये देखो किताब लेकर आई हूँ, ये किताब तुमको दे रही हूँ। महिला जिस दिन महिला को समझाएगी उस दिन बराबरी की क्रांति होगी। इसलिए अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाइए और उन्हें आगे बढ़ाइए। ललई सिंह जी ने मानववाद का ख्वाब देखा था। ललई सिंह जी जब वहां पर नौकरी में थे तो उन्होंने जो सिपाही लोग थे उनके न्याय के लिए आंदोलन कर दिया, आंदोलन कर दिया उन्होंने, और जबकि नौकरी में थे। आजकल हमारे लोग कहते हैं कि भाई साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कहता हूं देखो भाई मैं अच्छा नहीं बोलता, मैं तो मेरे पुरखे जो लिख गए हैं वही पढ़ रहा हूं, वही बोल रहा हूं, मेरे पास नया क्या। जानते हो आपको मैं अच्छा क्यों लगता हूं? क्योंकि जो बात बोलने में आप थोड़ा डर जाते हो वही बात मैं बिना डरे बोल देता हूं, इसीलिए बता सकता हूं। और तो बात नहीं है, जितनी मेरी उम्र होगी उतना तो लोगों ने संघर्ष जीवन खपा दिया होगा, वो मेरे सामने प्रमाण पर बैठे होंगे, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जानते हैं हिम्मत का दिखाने का दौर है। और ललई जी जब नौकरी में थे वहां पर और सिपाहियों के हक के लिए लड़ना पड़ा तो उन्होंने किताब लिख दी, सिपाही का तबाही, सिपाही की तबाही। और लिखने वालों ने, धर्मवीर जी अपनी किताब में लिखे होंगे, उन लोगों ने, कमल भारती जी ने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने कहा
कि वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, शायद धर्मवीर जी कुछ उसका अंश संकलित किए होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये व्यवस्थित पुस्तक संकलित हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों का शासन उन्होंने तो जब्त कर लिया, और जब्त करने की वजह से छप नहीं पाए, लेकिन अंदर अंदर उन्होंने सबको बांटा, विद्रोह को पैदा किया कि भाई हक के लिए लड़ो। उन्होंने कहा कि कमल भारती जी लिखते हैं कि अगर वो किताब छपती तो ज्योतिबा फूले की जो किताब है किसान का कोड़ा, वैसी किताब होती, आंदोलन की किताब होती, मजबूती किताब होती, और उसके लिए उनको निकाल दिया नौकरी से, मुकदमा लड़े, जीते और फिर वापस अपने बुलंदी, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ललित जी अपने घर की चार दीवारी बनवाने के लिए पड़ोसी से नहीं लड़ रहे थे। हम लोग की लड़ाई किसकी होती है? 2 इंच जमीन के लिए हम लोग मर्डर करने को तैयार है, लेकिन जमीनें, करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें इस देश की दलितों पिछड़ों आदिवासियों की लोगों ने नीलाम कर दी, बेच दिया, हमारे बच्चों का भविष्य छीन लिया, हम लोग नहीं लड़े इसके लिए, हम लोग परिवार बचाते रहे। पेरिया ललित सिंह जी, और पेरिया ललित सिंह जी जो बात इन्होंने बताई है धर्मवीर जी ने, आप सोचिए अभी बोलेंगे तो और बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी 72 बीघा जमीन ललित सिंह जी ने खुद ही बेच करके राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। वैसे नायक को हम याद कर रहे हैं भाई, मुझे कबीर याद आ रहे हैं, पेरिया ललित को याद करते हुए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लपाटे हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। वो घर फूस तमाशा देखने वाली बात अगर न होती तो आज हम उन्हें याद नहीं कर रहे हो। बहुत खराब वक्त आ गया है साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, और खासकर मैं नौजवान साथियों को अपील करता हूं, जो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी हमारी आंखों के सामने उसे तबाह किया जा रहा है। मैं चाहूं तो इस मंच का इस्तेमाल इस रूप में करूं कि आप लोगों को सामने भाजपा और आरएसएस को खूब आलोचना करूं, आप लोग को अच्छी लगेगी, ताली बजाएंगे, और वो मैं करूंगा भी थोड़ा थोड़ा, डरते थोड़ा है किसी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है दूसरे का। देखिए मैं भोजपुरी इलाके का हूं तो थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी बोलूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर इस मट्टी से जुड़ना छोड़ देंगे और हवा में उड़ गए तो पता नहीं कब उड़ के खत्म हो जाएंगे, पता नहीं, इसलिए मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी बोली, हमारी मिट्टी हमारी ताकत है, ये गांव हमारी ताकत है, इससे हम लड़ करके लड़के जीतना सीखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आलोचना केवल उनकी नहीं होगी, थोड़ी आलोचना आपकी भी होगी, दूसरे का आलोचना बड़ी अच्छी लगे अपनी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पूरे वंचितों शोषितों के एक करने की बात कही, तमाम लोगों ने एकजुटता की बात कही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि संत सोपान ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज से आने वाले लोगों जरा मेरे सवाल का जवाब दो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो लड़ाई लड़ी, और उनसे पहले छत्रपति शाहू जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार से लेकर के पीछे चले जाइए बुद्धा तक, जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या आपको उतना हक आपको मिला? क्या 100 में 60 मिला? क्या आज 100 में 60 डॉक्टर आपके हैं? क्या 100 में 60 डॉक्टर इंजीनियर आपके हैं? अरे जोर से बोलिए, ओबीसी समाज के लोगों, क्या 100 में 60 जज आपके हैं? क्या 100 में 60% जमीन आपके पास है? क्या 100 में 60% पैसा इस देश का आपके पास है? तो फिर बचा क्या है आपके पास? आप क्या कर रहे हैं? कांवड़ लोए ये बचा है, हर उन लोगों का मजबूर प्रकार आपका प्रधानमंत्री बना बैठा है भाई, और आप क्या लेंगे? उस प्रधानमंत्री को जब चुनाव लड़ना होता है तभी उसको जाति आ जाती है कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। और मैं एक दावे से सवाल पूछता हूं कि ओबीसी को जो हक मिला जिन नायकों से, एक बार जाके पूछिए, इंटरव्यू तो वो देता नहीं, इतना डरता है, 56 इंच की छाती, इंटरव्यू देता नहीं। एक बार कहीं मौका मिले तो पूछिएगा, अरे अगर असली ओबीसी हो तो सच सच बताओ, पेरिया ललित सिंह के बारे में जानते हो क्या? सवाल पूछने के लिए उनसे। और अगर तुम ललित को नहीं जानते तो किस बात के ओबीसी हो? मंडल को जानते हो क्या?
मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? और अगर तुम ओबीसी होते तो 8 साल तुम प्रधानमंत्री रहे, तुमने एक बार भी कहीं मंडल को याद किया हो तो मुझे बता दो। इसका मतलब ये लोग जो बैठे हैं, जो आपको आपकी जात बिरादरी बताएंगे, वो आपको धोखा देने के लिए अपनी जात बिरादरी बताते हैं। और राजनीति कौन सी कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, आपके सामने भी आपकी राजनीति क्या कर रहे हैं भाई। 20-25 साल 30 साल उत्तर प्रदेश में तुम्हारे लोगों की सरकार रही, एक बार उनकी रही, एक बार इनकी रही, नाम किसी का नहीं लूंगा, समझ आप सब जाएंगे। रही ना, आपके लोग थे ना, काम भी अच्छा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ, पिछले 30 साल में इतना काम हुआ है। आज गांव में क्या मजाल कि कोई डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को छोड़िए, उनकी मूर्ति की एक उंगली भी तोड़कर देख ले, अगली सुबह क्या होगा। ये पिछले 30 साल में हुआ, और इसलिए मैं उसका क्रेडिट, जो नेताओं की क्रेडिट है उतने हिस्से की क्रेडिट मैं दूंगा। लखनऊ से लेकर नोएडा तक भलते सुमित रत्न जी बैठे हुए हैं, दिल्ली में मिलते रहते हैं हम लोग, जब जब जाओ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सामंतवाद और मनुवाद की छाती पर चढ़ करके बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार की मूर्तियां जब सामने दिखती है तो लगता है ये हमारे पुरुषों की ताकत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात होती है तो लगता है कि पिछले 30 साल की इन सरकारों ने, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। खटिया पर बैठने का हक नहीं था, आप भी जानते हैं, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग भी जानते होंगे, जातिवाद क्या है गांव से बेहतर कोई नहीं जानता। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए कहते थे, गांव जातिवाद के कुएं हैं, निकलो शहरों की ओर, दलितों पिछड़ो और एक नौकरी लो, शिक्षा लो, वह शिक्षा लेना जो डिग्री नहीं शेरनी के दूध की तरह हो कि जो पिए वो दहाड़े। जैसे डॉक्टर धर्मवीर देखो, अशिक्षा मिली, जाने कितने शोधार्थी आए चले गए, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे आजमगढ़ के, हम दोनों एक ही जिले के थे। अभी अलग बात है कि आजमगढ़ वालों ने इस बार पता नहीं किसको जिता दिया, लेकिन पता नहीं कितने शोधार्थी आए और चले गए, आरक्षण से आए होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया होगा कि अपने पुरखे की जमीन को खोजा जाए। इस कानपुर से लेकर पूरे भारत में जहां जहां ललई जी का विरासत के एक भी अंश मिले, ये व्यक्ति घूमता रहा अपने जेब के पैसे, फेलोशिप के पैसे को खर्च करता रहा, और उसका नतीजा देखिए कि अकेले इसने 5 खंडों में पेरियार ललई की जीवनी प्रकाशित कर दी है। इसलिए बड़ा व्यक्ति तो ये होगा ना, जिन्होंने शोध किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको शिक्षा की बात करेंगे, डिग्री वाली शिक्षा की बात। बहुत बधाई और बहुत क्रांतिकारी सलाम है धर्मवीर जी को। और इसलिए मैं कह रहा हूं, किताबें हमसे दूर हो गई, इसलिए हम उनकी विरासत को नहीं जान पाए। पहले ललई सिंह को याद करने आया हूं तो बड़ी बड़ी बातों करने की बजाय 2-3 अपील बस करूंगा आपसे, कि उस पिछले 30 साल में जो उत्तर प्रदेश में आपके लोगों का शासन था, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन जहां गलतियां हुई उसका खामियाजा भी हमारे लोग भुगत रहे। आज कहा जाता है कि भाई जाटव वाल्मीकि से ऊपर है, लड़वा कौन रहा है, आरक्षण सारा कौन खा गया, यादव खा गया, चलता था कि नहीं चलता, आरक्षण सत्य ओबीसी का कौन खा गया, यादव खा गया। तो एक बात बताओ, इस देश में कितना जज ओबीसी का यादव बन गया भाई, कितना प्रोफेसर यादव। अरे 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी का था, अगर सब आरक्षण वही खा गया तो गया कहां, ये मेरा सवाल है। लड़वाया आपको, अरे थोड़ा कोई ज्यादा कोई कम रहा होगा, घर की बात रही होगी, लेकिन ओबीसी जातियों में जो ताकतवर थी, जो अपने को ताकतवर मानती हैं, अहिर कुर्मी कोयली, मैं तो नाम लेके कह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी थी। ओबीसी की 37-43 जातियों को एक किया मंडल कमीशन ने, और सबको बराबर करने की बात कही थी ना, तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी, जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी जिसको थोड़ा मौका ज्यादा मिला। तो ओबीसी जैसे जाटों की जिम्मेदारी ज्यादा है दलितों में, लेकिन अब एक बात बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में क्या अब ये नहीं हो रहा है, चुनाव किस पर लड़ा जा रहा है, अरे सारा तो दलित जो है उधर नहीं, जाटो उधर है, तुम लोग इधर आओ, हम तुम्हारे व्यक्ति को नेता और विधायक बना देंगे।
समझ गए नहीं सर? इस समय जिसकी सरकार है सब जाति के लोगों को बुला रहा है अपने पास के लिए, क्या यही सामाजिक न्याय है? इस समय इस देश में प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति आदिवासी, 27 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो ओबीसी, सबसे ज्यादा सांसद और विधायक दलित पिछड़े उसी पार्टी के जीते हैं। तो सारा जब तुम जीत गए हो तो एक बात बताओ, इस देश की सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को कौन बेच रहा है? 13 पॉइंट रोस्टर कौन ले आया? 2 अप्रैल का भारत बंद क्यों करना पड़ा? SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छटकानी किसने की? कौन है वो? इसका मतलब दुश्मन पहचानने का वक्त आ गया था। असली दुश्मन को पहचानिए। आपके जात बिरादरी वाले व्यक्ति को आगे करके कहेगा कि आपके जात बिरादरी के व्यक्ति को हमने मंत्री बना दिया। ललई सिंह जात बिरादरी को देख करके काम करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने घोषणा की कि अब मैं न कोई सिंह लगाऊंगा, न यादव लगाऊंगा, न कुछ लगाऊंगा, मेरा नाम केवल ललई होगा, क्योंकि अब मैं मानवता की बात करने जा रहा हूं, इसलिए जाति को छोड़ दूंगा। यह काम उन्होंने किया। लेकिन अब मैं कहूं कि मैं क्यों, कई लोग पूछते हैं भाई आप क्यों नहीं हटाए? मैं कहता हूं कि जितनी हिम्मत, जितना हौसला, जितना नैतिक साहस उन लोगों में था, अभी हमारे में नहीं है। हम कमजोर लोग हैं, अभी हम इस कमजोरी को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब नमुआ में आगे लिखा रहता है ना, तो बात कहने में आसानी होती है, और जहां तक कहना होता है वहां भी समझ में आ जाता है कि आजकल यादव लोग भी डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बात को समझिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ हम मंडल और लोहिया की बात करते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ पेरियार रामास्वामी की बात करते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ ज्योतिबा फुले और शाहू जी की बात करते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामना राम स्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू की बात करते हैं। ये 90% लोगों की बात करते हैं। जाति छोड़ने से जाति नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। कोई आपको ये समझाए कि जाति छोड़ो, अरे भाई टाइटल हटा दोगे तो पता कैसे चलेगा कि लेटरल एंट्री में 340 लोग जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बने वो सारे के सारे पंडितों बाहुल्यों से बने? उसमें एक भी तरह की पिछड़ा निवासी होने हैं? ये बात समझ गए नहीं आप? इस बात को मैं इस रूप में देखता हूं कि जातियों को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, जातियों को जमात में तब्दील करने की जरूरत है। ये जरूरत है इस बात। इस मंच पर अगर एक जात बिरादरी के लोग बैठे तो ये मंच कभी भी बड़ा मंच नहीं होगा। और ललित सिंह को याद करें केवल यादव तो ललित सिंह का अपमान होगा। ललित सिंह यादवों के नहीं, मानव के लोग के। हम 90% लोगों की बात करते हैं। इसलिए जब हम पूरे मंच को सजाते हैं और हम ये कहते हैं कि देखो हर जात बिरादरी और हर तरह के लोगों को हमें एक करना है, इसलिए ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने वाले से सजग रहिए और उससे पूछिए कि तुम कहते हो कि ओबीसी में सारा आरक्षण उन्होंने ले लिया, तो आंकड़ा दिखाओ। कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। तब हम कहते हैं कि अगर न्याय दिलाने की बात है तो जाति जनगणना कराओ, साफ क्लियर हो जाएगा कि किसने किसका हक लूटा है और किसने किसका हक नहीं लूटा है। तब पता चलेगा कि जिनकी आबादी 3% भी नहीं है वो 97% चीजों पर कब्जा किए हुए हैं, और हमारे लोगों को आपस में लगाता है कि ओबीसी में ज्यादा हक इन्होंने मार लिया, दलितों में ज्यादा हक इन्होंने मार लिया, और हम आपस में लड़ते हैं। ये हमारी आलोचना है। और हम लड़ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए मुझसे, अगर मैं गलत हूं। लड़ रहे हैं अपनी जात बिरादरी में? हम अपने जाति से दूसरे जाति के व्यक्ति को नहीं देखते? अरे उन सबों से सीखिए, वो सब एकजुट होकर के 15% सवर्ण बढ़ के काम करते हैं, और हम लोग जब मौका मिलता है अहिर कुर्मी कोयरी पाती मल्ला निषाद और तमाम जातियों में बढ़ जाते हैं, और हम 85-90% लोग बिखरे हुए हैं और वो 5-10% लोग एकजुट हैं, इसलिए वो देश पर राज कर रहे हैं और हम आज राज करवा रहे हैं। इसलिए ललित सिंह जी को याद करना, उस विरासत को याद करना है साथियों, जिस विरासत में वंचित शोषित 90% लोगों की एकता की बात। ललित सिंह जी जब वहां से निकले और काम करना शुरू किया तो ललित सिंह जी ने डॉक्टर अंबेडकर की किताबों का
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर के अनुवाद करवाया। 1948 में लखनऊ में सम्मेलन हो रहा था और कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, ओबीसी जागरूक नहीं। और एक बात और सुनिए, सारा ओबीसी कानून लेने नहीं जाता, कुछ ओबीसी पेरिया ललित सिंह को भी याद करता है, मंडल को भी याद करता है और तमाम बहुजन नायकों को भी याद करता है। जिस दिन सारा ओबीसी कानून लेने चला जाएगा उस दिन मैं मान लूंगा कि अब इस देश का कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ओबीसी में कांवड़ लेने वाले जा रहे हैं, लेकिन वो तो सब में जा रहे हैं, दलितों में भी। आजकल अभी पिछले दिनों मैं अभी जहां से आ रहा हूं यूपी में, दलित बस्ती में चार जगह गणेश पूजा का पंडाल लगा हुआ, आप लोग बताइए लगाया नहीं लगा। और पता लगाया हमने कि पैसा कहां से मिला, तो कहा कि इसका पैसा तो हमारे से तो बीजेपी ले रही। आपके बच्चों को शिक्षा मिली नहीं, आपके बच्चों को रोजगार मिला नहीं, बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार आपके घर पहुंच नहीं पाए, इसमें दोष आपका क्या है? वो पैसा भी देंगे, वो तमाम चीजों से आपके बच्चों को बताएंगे और गणेश पूजा से लेकर के कांवड़ ढोलाने का काम करेंगे, ऐसे में हमारा फर्ज क्या है? लेकिन एक बात समझिए, जिस घर में शिक्षा रोजगार खत्म हो गया, धर्म के पास आदमी क्यों जाता है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि धर्म के पास क्यों गए लोग? धर्म के पास जाने का वही कारण है, अपनी अभीष्ट से अभीष्ट की इच्छा और अनिष्ट की रक्षा। धर्म ऐसी लोगों पर जिंदा है, हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, उसके सामने जाकर कहते हैं कि दूर हो जाए और प्रभु दूर हो जाए, और आके खुश हो जाते हैं कि भगवान ने दूर कर दिया। और कोई संकट मुसीबत दूर हो गई तो दूसरा कहते हैं बेटा नौकरी लग जाए, बच्चे की तबीयत खराब ठीक हो जाए, इसीलिए ना धर्म मंदिर जाते हैं आप लोग। अब दो तीन किस्सा सुनाता हूँ, इससे सोचिएगा धर्म कैसे काम करता है। ज्योतिबा फूले का किस्सा बता रहा हूँ, जो उन्होंने नाटक लिखा तृतीय रथ, और उस नाटक में एक जगह लिखा है उन्होंने कि एक गरीब आदमी, बहुत कमजोर आदमी, एक ब्राह्मण के पास गया, तो ब्राह्मण से बोला कि हुजूर जीवन में बड़ा कष्ट है हमारे। तो ब्राह्मण ने कहा लाओ तुम्हारी कुंडली देखता हूं। तो उन्होंने जन्म पत्री देखी और ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, शनि तुम्हारे जीवन में बड़ा कष्ट दे रहा है। तो आदमी हाथ जोड़ के बोला कि अच्छा साहब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण बोला कि हवन कराना पड़ेगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा कि 1,00,000 रुपया खर्च होगा। तो आदमी बोला कि नहीं साहब इतना पैसा तो नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अच्छा चलो तुम्हारे लिए सेल लगा देते हैं, 50% डिस्काउंट, 50,000 में तुम्हारा हवन कर देंगे, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट मिट जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद वो आदमी बोला नहीं साहब इतना पैसा भी नहीं है, कोरोना में हमारे घर में बिजनेस व्यापार चौपट हो गया, नौकरी चली गई, पैसा है नहीं। तो ब्राह्मण बोला अच्छा ऐसा करो कि अभी इतना रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो, 1 महीना का मंत्र दे देता हूँ, शनि ठीक हो जाएगा, जब पैसा हो जाए बढ़िया हवन करा देना। वो आदमी खड़ा हुआ और अपनी जेब दिखाते हुए बोला कि मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये किस्सा किसने लिखा है? महात्मा फूले ने लिखा है। महात्मा फूले ने इसीलिए लिखा कि सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है, मानसिक गुलामी से गुलामी गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो वो अपनी बेड़ियां खुद खुद तोड़े। ये जो ओबीसी दलित घरों में आकर धर्म के नाम पर कहीं शिव चर्चा, कहीं रामायण पाठ है, कहीं अखंड रामायण पाठ है, ये जब हो तो उनसे जाके कहना, एक सवाल पूछना, गाड़ी खरीद कर ले आते हो तो गाड़ी धर्म से बनी है कि विज्ञान से बनी है? विज्ञान से बनी है। और गाड़ी बनी है विज्ञान से, और घर पर ले आते हैं तो उस पर नींबू मिर्चा लगाते हैं, उसका तिलक करते हैं। अभी कल ही हमारी बहन के लिए गाड़ी ली गई तो उसमें जो है वो कहा कि गाड़ी हो गई सर, पंडित जी बैठे हुए हैं और ये टीका वगैरह कर देंगे। तो हमने कहा किस बात का टीका करेंगे? तो कहा गाड़ी का। हमने कहा क्यों करेंगे? तो कहा कि गाड़ी का टीका कर देंगे तो गाड़ी शुद्ध हो जाएगी, तो इससे एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छा होगी। तो हमने कहा कि ये बात तुमको पहले बतानी चाहिए कि 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस क्यों करवाया तुमने? तो
वही पंडित बैठा था, मैंने कहा अगर पंडित यहाँ पर गारंटी ले कि इसके मंत्र फूकने के बाद एक साल तक इस गाड़ी का कुछ नहीं होगा, मैं इंश्योरेंस का पेपर फाड़ दूंगा और पंडित से हवन कराऊंगा। पंडित उधर देखने लगा, भाग गया। मैंने कहा गाड़ी उठाओ चलो। ये भाई देखिए, प्रेम से धर्म वालों को सिखाइए। बेचारे मानसिक गुलाम है, उनकी बुराई नहीं है, उनकी गलती नहीं है। ब्लड आपको चढ़ाना हो तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो खून चढ़ा देंगे। भाई भाई का खून चढ़ा सकता है क्या? जब भाई भाई का खून नहीं चल सकता तो एक बच्चे की गर्दन कट जाए तो उस पर हाथी की गर्दन कैसे फिट हो जाएगी रे भाई? देखो तो मैं किसी धर्म का अपमान अपमान नहीं कर रहा हूं भाई। आपका धर्म बहुत महान है, आपके देवी देवता बहुत बहुत महान है, आपका मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं नादान बालक हूं, मुझे समझा दो, अगर मूड़ी किसी और जानवर की चढ़ जाएगी तो खून क्यों नहीं चढ़ पाता है? ये तो मुझे चिंता है ना। मैं आपका अपमान नहीं करो, पूजा करो भाई। छोटा सा बच्चा सूरज को खा जाए। हमारे यहां दलित कवि हुए, उन्होंने कविता लिखी है भोजपुरी में कि अगर सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा तो हनुमान जी के घोट के कहां रह खड़ा। मुझे कविता बड़ी अच्छी लगी। देखिए तर्क और विज्ञान के जरिए जब हम जाएंगे, और यही सीख पेरियार ललई सिंह हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे देव बाबू हो, इन सब में वैज्ञानिक चेतना की बात है। वो एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा था, खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। ध्यान से सुनिए सबने, खजूर के पेड़ से ऊपर देखा तो बड़ी डर लगने लगी। उसने कहा कि अरे हुजूर, हनुमान जी को मानता था। उसने कहा हनुमान जी सही सलामत अगर नीचे उतर गया तो इस मंगलवार आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बड़ा इधर उधर से हिम्मत मिली, आधा दूर उतरा। उसके बाद कह रहा हनुमान जी आजकल घर में बड़ी तंगी है, आपके यहाँ तो लड्डू आधा किलो ही चढ़ा पाऊंगा, उतने में खुश हो जाएगी। थोड़ा और नीचे उतरा। उसके बाद कहा कि देखो हनुमान जी, आपके यहाँ मंगलवार को वैसे भी बहुत लड्डू चढ़ता है, मैं पाव भर लड्डू चढ़ाऊंगा, उतने में खुश हो जाइएगा। थोड़ा और नीचे उतरा, हिम्मत मिली और कहा कि हनुमान जी घर में सबकी नौकरी चली गई है, कोई पैसा नहीं है, इसलिए 100 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा। और जैसे करते करते जमीन पर उतरा, कान पकड़कर उठक बैठक किया कि आज से न पेड़ पर चढ़ूंगा न लड्डू। जहां तर्क और विज्ञान आएगा, अंधविश्वास अपने आप किनारे हो गया। लोग कहते हैं मेरे ऊपर 50 तरह के रोज गाली देते हैं, तमाम लोग कहते हैं धार्मिक भावना आहत हो गई। अरे भाई, हमारे दलितों पिछड़ों आदिवासियों की कोई भावना नहीं है। जब पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिखी, पेरियार ने जो रामायण लिखी उसमें रेफरेंसेस कम थे, और जब ललई सिंह जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया 1968, सोचो भाई। आप लोगों को एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। अभी मैंने कहा ना कि वक्त बदला है, क्या मजाल कि आप डॉक्टर अंबेडकर का इतना सा, डॉक्टर अंबेडकर छोड़ो, अब किसी राजस्थान में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8 साल का बच्चा मटका पानी से छू, पानी पीने के लिए छू लिया तो उसके शिक्षक ने मारा ऐसा कि वो मर गया। एक सवाल पूछता हूं साथियों, क्या ऐसा जैसा इंद्र मेघवाल के साथ हुआ क्या इस देश में पहले नहीं हुआ था? क्या हुआ होगा कि नहीं? जाने कितने लोग जाति के शोषण के शिकार होकर मारे गए, जाने कितने लोग मारे जा रहे, पीढ़ियां खप गई। लेकिन ये बिरसा फूले अंबेडकर की नई पीढ़ी जो आई है, उसने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का विषय बना दिया और कहा कि आगे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे। ये बदलाव हमारे आंदोलनों का है। और ये ताकत कैसे मिली पता है? जब हम 90% लोगों की एकता की बात करते हैं। देखो दलित दलित लड़ेगा अकेले तो बहुत देर तक नहीं लड़ पाएगा। जैसे ओबीसी ओबीसी लड़ेगा अकेले, यादव जी लोग, मैं चूंकि यादव हूं तो देखिए यादव से रेफरेंस लूंगा तो मुझे बोलना आसान होगा, दूसरी बिरादरी बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं अपनी बिरादरी के लोगों को कहता हूं, आप यादव हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, आपके पास मौका ज्यादा है, तो ये बताइए आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी कि नहीं? और आपकी जिम्मेदारी है कि ओबीसी की 3743 जातियों को
आप एक कदम पीछे हटिए और बाकी लोगों को आगे करिए और मिलकर ओबीसी की एकता बनाइए, तब जाकर के एकता बनेगी। बिना एकता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और जब ओबीसी चेतना विकसित हो जाएगी, दलित देखिए आज आंदोलन, दलित आंदोलन बहुत मजबूत है, वो ताकत है हमारे विश्वविद्यालयों में। धर्मवीर जानते हैं, हमारे अंकित भाई हैं दिल्ली से आए हैं, वो भी जानते होंगे कि इन्हीं विश्वविद्यालयों में आरक्षण विरोध और मंडल विरोध के आंदोलन हुए, क्योंकि सारे लोग तो वही प्रोफेसर बने बैठे थे, वाइस चांसलर बने बैठे थे, और वहां मंडल के विरोध में क्रांति चौक बना, मंडल के विरोध में कि आरक्षण की गालियां दी गई। और ओबीसी समाज के लोगों, हर जगह मैं आपको आपका इतिहास याद दिला रहा हूं, कुछ संगठन आके आपको कहते हैं कि तुम सब हिंदू हो। अरे मैं पूछता हूं कि इंद्र मेघवाल हिंदू नहीं था क्या? अगर तुम्हारी परिभाषा में से हिंदू माना जाए तो, और तो और छोड़ो, ललई सिंह जी ने जब सच्ची रामायण लिखी और रामायण ने जब ओरिजिनल टेक्स्ट दिया तो उनको कहा गया कि उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनकी किताब जब्त कर ली, किताब जब्त की थी, पता है कि नहीं, सच्ची रामायण पर बैन लगा दिया। और तब उन्होंने कहा कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बनवारी जी वकील थे, तमाम लोगों ने ललई सिंह जी के कोर्ट में साथ दिया और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तीन जजेस की बेंच ने। तब तक न्यायालय के जज खुददार थे, वैसे जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं बैठे थे कि आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाएं और कल जाके राज्यसभा की शपथ लें। समझ गए कि नहीं? आज जजों का कोई जमीन है? अभी ढाई महीने के लिए चीफ जस्टिस बना है और बनते ही पहला काम क्या किया कि गुजरात दंगे में जितना भी केस चला था सब बंद, गोरखा कांड के जितने केस चला था सब बंद। कुछ दिन में कहेंगे कि इस देश में रथ यात्रा के नाम पर, हिंदू के नाम पर कोई दंगा ही नहीं हुआ, किसी के घर पे बुलडोजर ही नहीं चला, किसी की दाढ़ी टोपी देखकर मारा ही नहीं गया, क्योंकि न्यायपालिका तक उनके हाथ में चली गई। पेरिया ललई सिंह के कोर्ट के मुकदमे में खुददार वकील, खुददार जज थे, उन्होंने कहा कि यह जब्ती गैर कानूनी है, इसे तुरंत रिहा किया जाए और मुकदमा लड़ने में जितना ललई जी का पैसा खर्च हुआ है उतना मुआवजा दिया जाए, और ललई जी केस जीते थे। आज सच्ची रामायण के चाबी लिखने वाले उस पुरखे को याद करते हुए मैं यहां से एक अपील करने आया हूं दलितों, पिछड़ों, आदिवासी भाइयों। उत्तर प्रदेश में हालांकि आदिवासी लोग बहुत कम हैं, लेकिन दलित पिछड़े इतने हैं ना, हम संख्या में इतने, और हमारी राजनीति कहां है वो आप जानते हैं। और राजनीति वहां इसलिए है क्योंकि हमारा सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन कमजोर है। हमारे घरों में ललई जी के बारे में जानने वाले लोग नहीं है। मैंने जब पढ़ा था मुझे ताकत मिली थी, और तब मैंने वहां से ये नारा बोला कि ललई जी उसी सिपाही विद्रोह में ये बात कहते हुए कहते हैं कि बलिदान सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, नकाते टेढ़े पादप गए, सीधों पर आए चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए। मैं अपने पुरखे को याद कर केवल आपसे गुजारिश करने आया हूं, कानपुर के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, एक बार जागने का वक्त है। अगर हम नहीं जागे तो जो बलवान की बात कही थी ललई सिंह जी ने, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ एका बनाने का पहल किया था, ललई सिंह जी केवल इसलिए नहीं हमें याद आते हैं कि वो हमारे पुरखे हैं। जब 1948 में लखनऊ में बैकवर्ड क्लासेस लीग का अधिवेशन हुआ तो ओबीसी समाज के लोग वहां पर थे, और उसका अधिवेशन करने के लिए जिसको अध्यक्षता सौंपी उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ओबीसी और दलित की एका तो पहले से बनी आई हमारे यहां, हमारे लोगों को जानने भी दिया गया। त्रिवेणी संघ जब बना बिहार में और अर्चक संघ बना यूपी में, कानपुर में राम नाराम सर्वर्मा और महाराज की भारती से लेकर के चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, और उसमें ललई जी भी शामिल थे, तो त्रिवेणी संघ में बाद में उसे अपमानित किया गया कि अहिर कुर्मी कोयरी का संघ। जब जब आपके लोग काम करेंगे तो आपको अपमानित किया जाएगा, और जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पद पर एक व्यक्ति बैठेगा
एक बात बताइए, साधु की कोई जाति होती है क्या? योगी की कोई जाति होती है क्या? और योगी होने के बाद कोई टीवी चैनल पर बैठ करके कहे कि हाँ मुझे छत्री होने पर गर्व है क्योंकि इस जाति में भगवान भी पैदा होते हैं। अरे जाति व्यवस्था वो चीज है कि तुमने अपने भगवानों की भी जातियां बना दी हैं और तुम हमसे कहते हो कि जातिवाद हम बढ़ा रहे हैं। और वो लोग आज कितना ठाकुरवाद कर रहे हैं ये आप लोग जानते हैं, उनके लोग आज गुंडई कर रहे हैं और इस राज्य के दलित पिछड़े जेल में है, मुकदमा झेल रहे हैं, ये सच्चाई है। इसलिए ललित सिंह को याद करना है, इसलिए याद करना है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाइए साहब। त्रिवेणी संघ ने जब नारा दिया, अर्जक संघ ने उस नारे को आगे बढ़ाया, जो नारा था सोशलिस्टों का कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ, उस नारे को सोशलिस्टों की आगे विरासत ने बढ़ाया कि सौ में नब्बे शोषित है। और बार बार इस नारे को जानते हैं क्यों बताता हूं, अहिर महासभा बनाएंगे तो कुछ दिन अहिर बच जाएंगे, कुर्मी महासभा बनाएंगे, कोयरी महासभा बनाएंगे तो उनकी जाति बिरादरी बच जाएगी, जाटव मजबूत हैं तो जाटव थोड़ी देर बच जाएंगे, लेकिन अगर कमजोर मारा गया तो बहुत दिन तक आप भी नहीं बच पाएंगे। अपनी जाति को बचाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। उस जाति को अगर 90% जमात में तब्दील कर देंगे, जो वंचित शोषित कमेरा लोगों की जमात है, तब सब बच जाएंगे। इसी की अपील करने आपसे आया, यही अपील है मेरी। और इसलिए मैं इस नारे को हर जगह बोलता हूं, इसको गाने की तरह बोलिए। जब उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समाजवादी आंदोलन, उस मानववादी आंदोलन, उस वैज्ञानिक आंदोलन का नारा क्या था? दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। आज भी मां बहनों की इज्जत के लिए लड़ना भीम आर्मी के साथ ही बैठे हुए हैं और आप सब जानते होंगे कि कितना संघर्ष कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आप लोग की ताकत यह है कि यूनिवर्सिया में भी जब नीला गमछा ओढ़ करके 10 लोग खड़े हो जाते थे तो बड़े बड़े मनवादियों की भी हालत खराब हो जाती है। और सब बात है। और हमारी यूनिवर्सिटी में यह आंदोलन क्यों सफल हुआ पता है? क्योंकि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये 10 और 90 का एकता बना लिया। वहां दलित पिछड़े आदिवासी सब खड़े हो गए। 13-point रोस्टर 56-inch वाला कहता था कि हम झुकेंगे नहीं, उसको पिछली सरकार ने दो ही बार किसी ने झुकाया है तो बहुजनों ने झुकाया है। पहली बार 2 अप्रैल के भारत बंद करके झुकाया SC ST एक्ट सिटी एक्ट पर, और दोबारा 13-point रोस्टर झुकता है वो, डरता है वो, कायदे से बस आंख में आंख डालकर डराने वाला चाहिए, बस इतनी सी बात है। और ये जो लोग कर रहे हैं एकता की बात करते हैं, और जो भी एकता की 90% लोगों की बात करेगा वो सोचो हमारी बात करेगा। वो रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता याद आ रही। रमाशंकर यादव विद्रोही कहते हैं कि मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है, जब वतन जेल है तो अब कहां जाऊंगा जब वतन जेल है। मैं आपसे कह रहा अब अपनी तरफ आइए, अब हमारी तरफ आइए, आइए इस तरफ ही सही राह है। हम कमेरों की भी क्या कोई जात है? हम कमाने का खाने का प्रचार ले, अपना डोरी लिए अपना झोला लिए, अब उस लड़ाई को जाएंगे, अपनी महफिल लिए अपना डेरा लिए, उनसे कहने कि गर्दन झुकाओ चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो, दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो जिसके खातिर लड़ाई छड़ी गई और चली जाएगी अंत से अंत तक, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। अरे इसलिए मैं इस 90% की आखिरी बात कर रहा हूं और वक्ता आए हैं वो अपनी बात रखेंगे। ललित सिंह को याद करना अपनी जात बिरादरी को याद करना नहीं है। अरे जात बिरादरी वाले सारे कहां ललित को मानते हैं, ये भी तो एक चिंता है। अब वही तो उनको समझाना है, चिढ़ाना नहीं है। मैं एक अपील गुजारिश कर रहा हूं। हाँ ज्यादा है कभी तो आप यहां है।
मैं एक बात कह रहा हूँ बाबूजी, मैं एक बात कह रहा हूँ, जितना ज्यादा है उसकी तारीफ कर रहा हूँ, गुस्साइए मत। लेकिन आपका राज कहाँ है जो पेरियार ललित सिंह यादव कह के गए थे? मेरा गुस्सा उस पर है। आपके आने वाली पीढ़ियों के घर में पता है क्या? बच्चों से पूछ के बताइएगा कितने बच्चे जानते हैं ललित सिंह के बारे में, चंद्रिका प्रसाद जी के बारे में? कड़वी बात है, कड़वी लगेगी, इसलिए तो बोलता हूँ। और जो जागा है उसको नहीं बोल रहा भाई, अरे आप जागे हैं तब यहाँ है, नहीं तो जाते गणेश चतुर्थी में वहां मेला लगा। भाई आप तो थोड़ा ही बोला यार, आप तो जागे हुए लोग। ई मैसेज वह यहां से बहुत दूर तक जाएगा चाचा, इसलिए ये बात बोली जा रही है। ये मैसेज वहां तक जाएगा, आवाज छोड़ दिए तो सुनिए, ये मैसेज वहां तक जाएगा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और घर गंगा जल से धुलवाया गया, तब कहना पड़ा कि हम तो अगड़ा समझते थे, हमको पिछड़ा बना दिया। वहां पर मैसेज देना है, परशुराम के फरसा से कोई सामाजिक न्याय नहीं होने वाला, ये बात कहने आया। और मैं आलोचना कर रहा हूं, मंडल की बात करनी होगी। और तो और भाई, कांशी राम की विरासत को याद करता हूं, समाजवादी आंदोलनों के नेता शरद यादव, मधु दंडवते और तमाम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे करुणानिधि दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत के समाजवादी नेता, उसमें मान्यवर कांशी राम, जिनके समाज को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलना था, लेकिन सैकड़ों रैली करके दिल्ली में चक्का जाम कर रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये बहुजन नेता बने हुए थे। मैं उसकी बात कर रहा हूं साहब, और इसलिए मैं एक बात कहने आया हूं, ओबीसी समाज के लोगों को लगता है कि दलित तो अछूत है, शूद्र है, हम नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई जाति से आते थे। उत्तर प्रदेश में उसी समय मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं और ये जालिम आज हमसे कहते हैं कि तुम जातिवादी हो। मैं उनसे पूछता हूं कि ये नारा किसने बताया, अपमान किसने क्या, बताओ कि दिल्ली से चंदा भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी ये भैंस चलावे राम नरेश, ये किसने नारा बनाया था? ये गाली किसने दी है दलितों पिछड़ों को, मुसलमानों ने दी है क्या? आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां के ऊपर गाली, ये अपमान क्या किसी मुसलमान ने किया था? ये उसके बाद ये ना, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, ये किसी मुसलमान ने नारा दिया था क्या? ये 15% भी नहीं है, जो 10% भी नहीं है, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, ये हमें अपमानित किया है जाति के नाम का। तो चचा देखिए, मेरा काम इतना ही है, मैं अपनी जात बिरादरी वाले लोगों को थोड़ा सा खोद रहा हूं, इसलिए कि थोड़ा जागो, एकजुट हो जाओ, और 90% एकजुट है। अरे बाकी लोगों को छोड़िए, मैं तो अपने परिवार में बताऊं, हमारे यहाँ पहले एक निर्गुण संत कबीर परंपरा के थे, उनकी पूजा होती थी, लेकिन हमारे पिताजी कॉमरेड थे, कार्ल मार्क्स और लेनिन की बात करते थे। अच्छा ये हुआ कि मेरे घर में कोई देवी देवता की फोटो कभी नहीं रही। लेकिन जब मैं और आगे बढ़ा, मेरी उंगली पकड़ करके पहली बार अम्बेडकर से परिचय कराने वाले मेरे पिताजी, ये विरासत हमें उनसे मिली। लेकिन आज भी जब मैंने कहा कि मेरे बहन की शादी में एक भी पंडा पुरोहित नहीं आएगा, मेरे पिता जब एक्सपायर हुए तो मैंने कोई मुंडन कोई कुछ नहीं कराया, गांव वाले कहे कि पिता की आत्मा को क्या होगा, मैंने कहा मेरे पिता ने अपने पिता के मरने पर कोई पाखंड नहीं कराया था, वो भी खुश हैं और उनकी भी आत्मा खुश रहेगी। तो पाखंड कर रहे हैं, अरे चुटकुला सुना दे चाचा, एक आदमी था उसके पिताजी मर गए तो वो कर्मकांड कर रहा था, जब बोल रही तो बता दीजिएगा, कर्मकांड कर रहा था, पंडित ने कहा कि क्या हुआ, तो कहे दादाजी की आत्मा ऊपर है, बड़ी खुश था दादाजी की आत्मा, तो कहा कि कोई और कमी, तो कहा कि हम पंडित ने आजकल कुछ कथा वाचक भी आए नए नए सूत्र आपका पैसा लेकर के और कथा बांट रहे हैं कि ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा तो धरती का प्रलय आ जाएगा, विनाश हो जाएगा। अरे जिस देशों में ब्राह्मण नहीं है उसका तो विनाश हो गया, कैसे कैसा देश है भाई? वो कह रहा है कि ब्राह्मण को अगर खिलाओगे तो आपके पुरखों को मिलेगा। तो चुटकुला सुनिए, धार्मिक भावना आत होगी तो हो। अब जो चुटकुला है वो ये है कि जब वो कहा कि चचा हमारे दादाजी को कोई दिक्कत पंडित जी, तो पंडित जी कहने दिक्कत कोई नहीं, दादाजी की आत्मा बड़ी शांत है, बड़ी अच्छे से है।
उनको सोने में दिक्कत होती है तो एक चारपाई दिलवा देते। पिताजी नई नई चारपाई दे के पंडित जी को भेज दिए। पंडित जी चारपाई ले घर चले गए। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, फिर पंडित जी से पूछा पिताजी ने कि बाबूजी के आत्मा को कोई दिक्कत? तो कहा ना ना, गाय बढ़िया जो दिए थे आप उसका बढ़िया दूध पी रहे हैं, नई की चरपैया पे बड़ी अच्छी नींद आती है, बस बाजार आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो एक वो साइकिल अगर दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो उन्होंने नई साइकिल भी दे दी और उसके बाद वो पंडित लेके चला गया। बाद में जब लौटा तो फिर पिताजी ने पूछा कि कोई दिक्कत? तो कहा नहीं नहीं, बढ़िया चारपाई पर दादाजी सोते हैं और उसी साइकिल से रोज सवेरे शाम बाजार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोता वहीं बैठा था जो ऐसे ही किसी कार्यक्रम से लौट के गया था। पोतवा बोला कि नहीं, पंडित झूठ बोल रहा है। तो वो बोले पिताजी कैसे? तो कहा कि दादाजी को जो चारपाई और साइकिल आपने भेजी वो उनको मिली ही नहीं। पंडित नाराज होकर बोला कि तुमको कैसे पता नहीं मिली? तो कहा दादाजी ने देखिए चिट्ठी लिख के दिया है हमको कि तुम्हारी भेजी साइकिल नहीं मिली। अब पंडित एकदम आग बबूला होकर कह रहा है तुम्हारे पास ये चिट्ठी किस रास्ते आई? लड़कवा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने साइकिलियां भेजी थी, आपने चारपाई भेजी थी। जैसे ही तर्क ले आएंगे कर्म कांड अपने आप खत्म हो जाएगा। कांवड़ धोने वालों को, धर्म मानने वालों को मेरी एक ही अपील और गुजारिश, और यही एक आखिरी बात है, ललई सिंह को याद करना तर्क और वैज्ञानिकता की बात करने का है, ललई सिंह को याद करना मानववाद की बात करने का है। और तब उन्होंने कहा था दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, ये नारा था उनका। और उस नारे को आगे बढ़ाया जन आंदोलनों ने कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। सरकार इसलिए बदलनी है, सरकार इसलिए बदलनी है कि कल को कोई दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पर बैठकर हमारे बच्चों की शिक्षा रोजगार को बेच न दे। और शिक्षा रोजगार बिक गया तो आपका आरक्षण कहां है? लेटरल एंट्री आ गई तो आपका आरक्षण कहां है? और आरक्षण नहीं है तो आप देश चलाने में कहां? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारा बैंक बेच दिया, आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेच दिया, नौकरी बेच दिया, और पहले ही वो बोला है मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं झोला लेके चल दूंगा, आपका क्या होगा? ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामनाराम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सब ने बड़े अपने वैचारिक पुरखों से, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शाहू जी महाराज से लेकर पेरियार तक की विरासत से केवल एक खाब देखे थे। साथियों यही मेरी आखिरी बात है, घर घर जाकर इसको फैलाइए। इस तरह की सभाएं अभी खत्म हो जाएंगी, हम लोग आए भाषण देके ताली बजवा चले जाएंगे, लेकिन इससे हमारा काम नहीं हो रहा। जो सड़क पर जो घर में आपके काम कर रहा है उसका साथ दीजिए, उसको पैसे से मदद करिए अगर कर सकते हैं तो, उसके साथ घूमिए और उस सपने को पूरा करने की बात करिए कि 90% जो कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनकी एकता बनाइए। जिस दिन इस देश के 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, और एक बात और बताइए, आपके बच्चों को शिक्षा कब मिलना शुरू हुई? 20-25 साल हुआ होगा मुश्किल से, पर नहीं पूरा पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हमारे गवां में आज से 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कोई कांवड़ लेके नहीं जाता था। अब 15 साल बाद यह हुआ है कि 15 ठो कांवड़ होने गए हैं और सरकारी नौकरी वाले को नहीं, सब रिटायर हो गए। ये जो बदलता हुआ न्यू इंडिया है,
इसको हमको आपको रोकना है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, जातिवाद खत्म हुआ क्या, ब्राह्मणवाद खत्म हुआ क्या, पाखंडवाद खत्म हुआ क्या, और आखिरी बात हम अपने बच्चों को 25 साल बाद जो बच्चे होंगे जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा हमसे सवाल पूछेगा, हमसे पूछेगा कि जब तुम पैदा हुए और पढ़े तब सरकारी नौकरी भी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी भी थी, डीयू जेएनयू जामिया था, सरकारी प्राइमरी स्कूल था और सब कुछ था, भारत का संविधान लागू था, मंडल कमीशन लागू था, और तुम्हारी आंखों के सामने यह सब बर्बाद किया जा रहा था, तुम्हारे नायकों की इतिहास को मिटाया जा रहा था। और तो और एक नमूना ईसाया करा डॉक्टर अंबेडकर बाभन थे इस, अरे भाई तुम लोगों में इतनी कमी हो गई क्या कि इधर से ले जाना पड़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने तक का जिगर जिस देश में नहीं था, बीपी सिंह ने, संयुक्त मोर्चा सरकार ने, तमाम बहुजन लोगों ने जब उनको भारत रत्न दिया उसके बाद अंबेडकर महान नहीं हुए थे, कोई चुनाव ढंग से नहीं जीते, कोई बड़ा नेता नहीं थे, लेकिन अपनी कलम से इतना मुस्तकबिल लिख गए थे कि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बन गए थे। तुम उनको एक जाति में बांटने की बात करते हो? अंबेडकर बिरसा भूले पेरियार की कोई जाति है क्या? वैसे ही ललित सिंह यादव की कोई जाति नहीं है, ललित सिंह मानववादी वैज्ञानिक सोचवादी है, और इस नई पीढ़ी को भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 51 में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पढ़ाना है बढ़ाना है, और आज ये सब कर्मकांड फैला रहे हैं। इन कर्मकांडियों अंधविश्वास वालों से कल को आपके बच्चों से पूछा जाता था, हम लोग से पूछते थे बेटवा क्या कर रहा है आपका, तो आप भी कहते थे बेटवा 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, डीयू पढ़ रहा है, जेएनयू पढ़ रहा है, बेटवा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो कहेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज क्या हो रहा है, बेटवा क्या कर रहा है, तो कह रहा बजरंग दल में जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद में जा रहा है। बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजेगा, आपके बच्चों को वहां ले जाया जा रहा है। और सारे बहुजन नायकों की लड़ाई, इज्जत स्वाभिमान की लड़ाई, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई को लड़िए, मानववाद और तर्कवाद की लड़ाई को लड़िए, और इसलिए लड़िए, तमाम लोग लड़ रहे हैं साहब, पेरियार ललित सिंह यादव शिक्षा प्रसार एवं समाज सेवा समिति ग्राम कठारा पोस्ट भारामऊ जनपद कानपुर देहात, ये लिख करके जिन्होंने हमें दिया, आप सोचिए कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, ये चिराग जल कर रोशनी फैला रहे। ललित सिंह यादव किसी के मोहताज नहीं, वो अपने काम से याद किए जाएंगे, और हमारे जब तक ताकत रहेगी, गोद से गोलवलकर और हेडगवार का शासन रहे, मुकदमा और जेल रहे, तमाम जेलों के बावजूद हम बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार ललित सिंह चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु मामला रामस्वरूप वर्मा जगदेव बाबू और मंडल कांशी राम की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, और इसलिए आगे बढ़ाएंगे कि 25 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि हमारा सब कुछ लुट गया तुम्हारे सामने, तुम क्या कर रहे थे, मैं कम से कम गर्व से कर सकूंगा कि जब सब बर्बाद किया जा रहा था तब भी जालिमों के सामने आकर जुल्म की बात कह रहा था, उनका विरोध कर रहा था, बिरसा मुंडा को, जयपाल मुंडा को, अब्दुल कयूम अंसारी को, जगदेव बाबू से लेकर ज्योतिबा फुले साहू जी से लेकर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और ललित सिंह को याद करके तुम्हारा भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहा था और लड़ते रहेंगे जब तक ताकत बची है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।